जो तुम्हारी बहन को कोई नहीं अपनाएगा, कोई नहीं। ये बात तो एकदम सही कही है। कौन अपने बेटे की शादी इनकी बहन से कराएगा? अब तो यही सही रहेगा कि शगुन को शुभ के साथ में विदा कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आप सबके सामने इस इंसान ने धोखे से मुझसे शादी की है और अब महान बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको पागल बना रहे हैं और आप सब पागल बन रहे हैं। पर मुझे इनकी जरूरत नहीं है। मेरी खुशियां किसी पे डिपेंड नहीं करती। इनफैक्ट किसी भी औरत की खुशियां एक मर्द पे डिपेंड नहीं करती। ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना। क्यों? तू तो जानता है ना इन्होंने क्या किया हमारे साथ। पहले दिन से हमारे परिवार को तोड़ने की कोशिश की है। काकू, इतना दुख सहा है हमने इनके वजह से। सोफा, पता है हॉस्पिटल में क्यों थे? इनकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। आज ये लोग बोल रहे हैं कि मैं इस इंसान से शादी कर लूं, इसके साथ चली जाऊं। नहीं, आज अगर मैंने इनकी बात मान ली तो मुझे पूरी जिंदगी सर झुका के चलना होगा और मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। ऐसा कभी नहीं होने दूंगी अजोबा। इनको अपने किए की सजा जरूर मिलेगी। चलिए इंस्पेक्टर। सारी सजा उन्हें नहीं, तुझे मिलेगी। क्या कहा तूने? तू ही मुझे पता। ये सब होने के बाद क्या कोई तुझे अपनाएगा? और सर तुझे अपनाने के लिए तैयार है आज, तो तू क्यों नहीं अपना सकती? क्या प्रॉब्लम है ताई? दिमाग खराब हो गया? तुझे पता भी है तो क्या बोल रहा है युग? सही गलत छोड़, सामने का देख। मेरी शादी नव्या से हो चुकी है, वो मेरी पत्नी है। और तेरी शादी शुभ सर से हो चुकी है, वो तेरे पति है। प्लीज, जो भी सोचना है ठंडे दिमाग से सोचना। युग ठीक कह रहा है, आप लोग तो बड़े हैं, समझाइए शगुन को। बाला, युग सही कह रहा है, मान जा। जो होना था सो हो गया, तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, तू सोच बेटा। हाँ शगुन बेटा, इसमें हमारी खुशी नहीं है, लेकिन रिश्ता तो बन चुका है ना, शादी हो चुकी है। काकू, मेरी शादी नहीं हुई है, धोखा हुआ मेरे साथ। मुझे फंसाने चली थी ना, मैंने इस नाटक में तुम्हें ही फंसा दिया है शकुन। मैं जानता हूं कि तुम मुझे कभी नहीं अपनाओगे, तुम खुद ये शादी तोड़ के मेरा काम आसान कर दोगे। एक मिनट शकुन। शकुन, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे गुस्सा हो और तुम्हारा गुस्सा करना जायज भी है, और तुम्हारे इस गुस्से में शुक्र नव्या को परेशान मत करो। वो दोनों तो एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और इस शादी को मानते भी हैं, उन्हें खुश रहने देते हैं ना। युग, अगर तुम मेरी बहन के साथ पूरी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं शगुन को मना लूंगा। बोलो युग, क्या फैसला है तुम्हारा? नहीं युग, नहीं। युग क्या कहेगा, मानेगा ही? शादी हुई है, कोई मजाक थोड़ी ना हुआ है। युग, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं, क्या फैसला है तुम्हारा? हाँ कर दे युग। युग कुछ तो बोल। युग, मैं तैयार हूं। गुड डिसीजन, तो चलिए विदाई की तैयारी करते हैं। विदाई? नव्या विदा होकर हमारे घर आएगी ना? जी नहीं।
जी नहीं मतलब मेरी बहन आपके घर पे नहीं रह सकती। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा योग घर जमाई बन के आपके घर जाएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? नव्या पहली लड़की नहीं है जो विदा होकर मायके से ससुराल जाएगी। ये सब करते हैं। सब करते होंगे लेकिन मेरी बहन नहीं करेगी। मेरी बहन नहीं कर पाएगी ये। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि उसका लाइफ स्टाइल, उसके तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। वो आपके चौल में नहीं रह पाएगी। और मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद आपके और मेरी बहन के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी। आफ्टर ऑल आप लोग भी मेरी फैमिली है ना। प्लीज मुझे आपके बारे में भी सोचना पड़ेगा। मुझसे प्यार करने से पहले नव्या मेरा बैकग्राउंड जानती थी सर। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया, इसलिए जहां मैं रहूंगा वहीं नव्या रहेगी। जो मैं मानता हूं कि तुम्हारी बात गलत नहीं है, लेकिन देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं कह रहा हूं। मैं अपनी बहन को क्यों तकलीफ में देखना चाहूंगा? और योग, अब अगर फिर से तुम इन बातों में पड़ोगे तो मेरा फिर से दिमाग खराब होगा और तुम्हारी बहन को अपनाने से मना कर दूंगा। जो बेहतर होगा कि इस बहस को यहीं रोक दो, इसमें कोई फायदा नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। और योग, तुम भी अपनी बहन की खुशी चाहते हो, मैं भी अपनी बहन की खुशी चाहता हूं। और मैंने तुमसे ये तो नहीं कहा कि अपने घर वालों को छोड़ दो। तुम्हारे घर वाले हमारे घर आए, तुम आओ जाओ, तुम खुश रहो। और जब कंपनी का घर बन जाएगा ना, तो तुम नव्या और तुम्हारा परिवार उधर शिफ्ट हो जाओ। अब ठीक है? योग, योग। ज्यादा मत सोचो, तू जा। चाचा जी, लेकिन चुप, सही कह रहे हैं। सबके लिए ये ठीक रहेगा। तू जा, हम शगुन की विदाई की तैयारी करते हैं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप सब पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया आप सबका। शगुन समझने की कोशिश, मुझे कुछ नहीं समझना। ना तो यहाँ से मैं जाऊंगी और ना ही युग जाएगा। चल युग। मैं जाऊंगा ताई, तेरे लिए जाऊंगा, वरना तेरा रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा ताई। और मैं तेरी जिंदगी ऐसे बिखरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज मान जा।
एक मिनट। ए, क्या कर रहे हो? घर में कोई बहू थोड़ा ना आई है, जमाई आए है। नहीं 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 नहीं, घर जमाई आए है ना? और घर जमाई के स्वागत में कलश नहीं लगता। जाओ यहां से। और तू आरती की थाली दो। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना बोल रही थी कि पहले इस घर का एक बेटा था, अब दो दो बेटे हैं, है ना? बुआ कहाँ है? वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें उनसे आरती करवानी है तो इंतजार करो। ये लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप कीजिए ना प्लीज। बैठ जाओ। आइए जमाई बाबू, आपका स्वागत है हमारे इस जयसवाल मेंशन में। फाइनली नव्या की शादी हो गई। अब मैं शहर की सबसे बड़ी पार्टी थ्रो करूंगा। बिल्कुल। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। एंड आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको बहुत बुरा भला कहा ना। और एक बात कहूँ, यू आर द बेस्ट, इनफैक्ट बेस्ट से भी ऊपर। आपने कितना कुछ किया है मेरे लिए, और आपने प्रूव कर दिया कि आप मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। आपने रिया अशोक को बांधा, अशोक की जगह खुद बैठ गए। तुम लोग बैठो, आराम करो, मैं अभी आता हूँ।